बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। कोरोना महामारी के चलते पूरे मध्य प्रदेश के साथ दमोह जिले में भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके बाद भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन न करते हुए कई व्यापारी अपनी दुकान में चोरी छुपे सामान का विक्रय कर रहे हैं। अंदर ग्राहकों को शटर के अंदर कर उन्हें सामान बेच रहे हैं। लगातार प्रशासन बाजार में कार्रवाई कर रहा है। आज भी प्रशासन के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा शहर में दस्त के दौरान कार्रवाई की गई। बर्तन दुकानदार के अंदर ग्राहक थे, जिसके बाद शटर खुलवा कर ग्राहकों को बाहर निकाला गया। वहीं दुकानदार का 500 रुपये का चालान काटकर उसे समझाइश दी गई। वहीं कई व्यापारियों को पुलिस के द्वारा भी गिरफ्तार कर जेल अस्थायी जेल ले जाया गया। वहां कुछ समय कोतवाली में रखकर उन पर कार्रवाई की गई है। कोरोना महामारी के चलते सभी से अपील की जा रही है कि कृपया कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। आम जनमानस से भी अपील है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। केवल मेडिकल स्टोर्स ही खुले हैं, बाकी समस्त दुकानें बंद हैं। कृपया अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। ये खुले में बेच रहे हैं आप लोग को, एक सौ क्या नाम कोरोना का तो कोई वो नहीं होगा, है ना? अरे यार बड़ी बात समझो, बुलाओ ना, फोन लगाओ, बड्डे वीडियो बना रहे हो तुम, तो दूर हो जा दादा, साइड हो ये लोग है ना।